हरियाणा के चरखी दादरी में एक परिवार ने अपनी भैंस के निधन के बाद जो किया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। करीब 29 साल तक घर में रही भैंस का जब निधन हो गया तो पूरे विधि विधान से उसका क्रियाकर्म किया, उसकी अस्थियां विसर्जित की गई और 13वीं की सभी रस्में निभाई गई। बाकायदा नात रिश्तेदारों के अलावा गाँव वालों को भोज कराया गया। भोज में देसी घी से बने लजीज पकवान, साथ ही खाने में चावल, जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, सब्जी पूड़ी का इंतजाम किया गया था। 28 साल पहले आई इस भैंस ने 24 बार कटिया को जन्म देकर रिकॉर्ड बनाया। किसान ने इसका नाम लाडली रखा। इस भैंस का दूध परिवार की 3 पीढ़ियों ने पिया और उससे जन्म लेने वाले बच्चों को तैयार करते हुए काफ़ी पैसा भी कमाया। इस किसान ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बढ़िया लगा वो तो 24-25 बार अब आ चुकी थी पड्डी पड्डी इसने दी से अरण को काम अब ऐसे चल रही थी। मतलब खेती बाड़ी करते हो ये जानवर हाँ। जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब वो भैंस भी भाग्यशाली है जो इनके घर में पैदा हुई, उनको ये इतना वो मिल रहा है। और आजकल तो अपने सास ससुर के बूढ़े की नहीं करते कोई, और ये एक जानवर को अपने इंसान के रूप में समझ रहे हैं। तो पहले भी कभी आपने ऐसा कोई काम देखा? मैंने अपनी जिंदगी में भैंस के बारे में ऐसा कहीं नहीं सुना न मैंने देखा है, पहली बार देख रही हूँ मैं। तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ कि आगे भी कोई ऐसा उठाए कदम। जी 24 कटिया दी और उन कटिया कटिया दी सारी कटिया दी, एक बार नटी नहीं है हमारा एक दिन भी। आजकल गांव में तो इंसान के काज के लिए भी मनाई की जा रही है कि लगभग ऐसा खर्चा ना हो, फिजूल खर्चा मानते हैं, उसके बाद भी आप एक जानवर का काज कर रहे हैं। फिजूल खर्चा नहीं करया जी, हमने जायज़ खर्चा करया जी, हमारे इस बहन ने धन इतना दे दिया सारो सब कुछ इस भैंस ने दिया जी। इस भैंस की पैदावार से हमारा आगे बढ़िया जी।